नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू को लेकर सामने आ रही है, जहां कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच छिड़े सियासी घमासान के बीच अब अमरिंदर सिंह ने उस सीट का खुलासा कर दिया है जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कैप्टन के ऐलान से सिद्धू की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ गई है। कैप्टन के इस कदम से कैसे बढ़ी सिद्धू की मुश्किलें, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में जारी सत्ता संघर्ष के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साल 2022 में पटियाला से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह पटियाला के अलावा किसी और जगह से चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये घोषणा की है। उन्होंने पटियाला को पंजाब का सबसे साफ शहर बनाने के लिए पटियाला के लोगों को बधाई भी दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की कि उनका परिवार 400 साल से पटियाला में रह रहा है और वह नवजोत सिंह सिद्धू के कारण भी पटियाला नहीं छोड़ सकते। कृषि कानून रद्द करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वे भाजपा के साथ काम करने को उत्सुक हैं। कैप्टन ने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्रकाश पर्व के मौके पर 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और किसानों से माफी मांगने से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री देश के कल्याण के लिए कृषि कानून लाए थे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नई पार्टी बनाते समय कैप्टन ने कहा था कि सिद्धू जहां से भी लड़ेंगे वे उनसे लड़ेंगे। कैप्टन ने दावा किया था कि जब से सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की भागदौड़ संभाली है, उनके सर्वेक्षणों के अनुसार पार्टी की लोकप्रियता में 25% की गिरावट आई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को पंजाब की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। कैप्टन के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में एक आपदा की तरह हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के फैसले से सबसे ज्यादा फायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार कृषि कानून वापस लेने के लिए बात कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि अगर केंद्र सरकार कानून को वापस लेती है तो वे भाजपा के साथ गठबंधन कर आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वे जोर दे रहे थे कि 3 कृषि कानूनों के साथ पार्टी के लिए प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ शुरू हुए विवाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार चुनौती दे चुके हैं कि वे सिद्धू को किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे, और अब कैप्टन के इस फैसले से सिद्धू को तगड़ा झटका लगने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।